इमेजिन करो कि आप कुछ सेकंड्स में प्लेन से जंप करने वाले हो और आपके दिल की धड़कन तेज होती जा रही है, लेकिन आपके पास जंप करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आपकी टीम जंप कर चुकी है और तो और आपके इंस्ट्रक्टर ने भी आपको जंप करने का ऑर्डर दे दिया है। अब आपने डरते हुए जंप तो कर लिया है, मगर आपका पैराशूट खुल ही नहीं रहा। अब ऐसी सिचुएशन में आप रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश करते हो, पर आपको जल्द ही पता चल जाता है कि आपका रिजर्व पैराशूट भी काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद धड़ाम आवाज आती है और आप जमीन पर जोर से गिरते हो और ये सोचते हो कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मैं जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन अच्छी किस्मत होने की वजह से आपकी स्पाइन की सिर्फ कुछ हड्डियां ही टूटती हैं और लकीली आपकी जान बच जाती है। पर एक बुरी चीज ये होती है आपके साथ कि आप अब ना चल सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। अब नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में एक इंसान तो यही सोचेगा कि अब मेरी जिंदगी का अंत आ चुका है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना खड़ा हो सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ। और तो और एक ख्याल ये भी आता है कि काश इस सिचुएशन से बेहतर तो ये होता कि मैं मर जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास एक ऐसी पावरफुल चीज है जो आपको ऐसी सिचुएशन में भी अपने पैरों पर खड़े हो जाने पर मजबूर कर सकती है? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन वो एक चीज हर इंसान में है और अगर वो उसका ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। वो चीज आखिर है क्या? वो चीज है विल पावर। जी हाँ, विल पावर ही वो चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर एनकरेज और मोटिवेट कर सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो विल पावर की ताकत के एग्जांपल सेट कर चुके हैं, लेकिन आज हम ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया और दुनिया को सिर्फ 23 साल की उम्र में हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं बियर ग्रिल्स की, जो कि अपनी छोटी सी उम्र में ही ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जिसमें ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं। बात है 1996 की, जब बियर ग्रिल्स आर्मी में थे और अफ्रीका में अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ अपनी छुट्टियां गुजार रहे थे। और तो और उन्होंने अपनी टीम के साथ जिम्बाब्वे में स्काई डाइविंग का प्लान भी बनाया था। अब देखा जाए तो बियर ग्रिल्स बहुत ही ट्रेंड और बहादुर इंसान थे, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ जिसकी वजह से बियर की टांगे कांप रही थी। असल में बियर के पैरों में क्रैम्प्स आ रहे थे और ठीक उसी वजह से बियर का दिल स्काई डाइविंग से डर रहा था। लेकिन बियर की सारी टीम जंप कर चुकी थी और इंस्ट्रक्टर अब प्लेन के दरवाजे पर खड़ा बियर के जंप करने के लिए काउंट कर रहा था, लेकिन बियर ने हजार बार अपने दिल को मना करने के बाद इंस्ट्रक्टर के प्रेशर में आकर जंप कर दिया। जब बियर ने जंप किया तब उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर्स थी। वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरता जा रहा था। बियर की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और तो और अपनी रफ्तार के कारण वो अपनी टीम से भी अलग हो गया था। बियर लाइफ में पहली बार पैनिक हो गया और पैराशूट ओपन करने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट ने भी उसे धोखा दे दिया, जिसके बाद बियर और जमीन का डिस्टेंस सिर्फ 20,000 फीट, फिर 15,000 फीट और अब 10,000 फीट हो रहा था और अब धीरे धीरे और कम होता जा रहा था। बियर ने अब कोशिश की कि वो अपना रिजर्व पैराशूट खोल ले, लेकिन वो भी नहीं खुल रहा था क्योंकि बियर और ज्यादा पैनिक हो चुका था, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद बियर जमीन पर जा गिरा। अब किस्मत ने एक तरह से जरूर बियर का साथ दिया क्योंकि बियर एक डेजर्ट में जाकर गिरा, जिसकी वजह से गिरने का इम्पैक्ट कम हो गया और कम से कम उसकी जान बच गई। बियर को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर घुस गया हो और बियर अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहा था। बियर की टीम कुछ ही देर बाद बियर के पास पहुंची और उसे पास के हॉस्पिटल ले गई। रास्ते में बियर को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो बेहोश हो गया था। जब बियर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बियर को इंजेक्शन लगाकर होश में लाया, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं था और बियर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। बियर ने कुछ ही घंटों बाद जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एयरक्राफ्ट में है और उसे यूके ले जाया जा रहा है ताकि बियर का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। प्लेन में बियर सारा एक्सीडेंट का सीन इमेजिन कर रहा था और अपने आप को बोल रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, क्योंकि अगर मैं पैनिक होने के बजाय दिमाग को ठंडा रख के पैराशूट खोलने की कोशिश करता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। बियर के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी, जैसे कि क्या वो फिर से चल पाएगा, क्या वो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर पाएगा, क्या वो पूरी जिंदगी हैंडीकैप की तरह जिएगा। बियर का दिमाग ये सब सोचकर फट रहा था, पर उसने किसी तरह अपने आप को शांत करने की कोशिश की। यूके पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने बियर का चेकअप किया और डायग्नोस किया कि बियर की रीढ़ की हड्डी में T8, T10 और T12 टूट चुकी है और डॉक्टर्स एक तरह से एक बुरी खबर सुनाने जा रहे थे जिसके लिए बियर बिल्कुल तैयार नहीं था। डॉक्टर ने बियर को सेटिस्फाई करने के लिए बात कुछ इस तरह से शुरू की, बियर तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब तक तुम ऐसे ही रहोगे और कब तक तुम चल पाओगे। इनफैक्ट हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम जिंदगी में कभी चल पाओगे भी या नहीं। बियर ये सुनकर बहुत निराश होता है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद फिर भी कहीं ना कहीं थी। डॉक्टर्स ने बियर की कमर पर एक मेटल ब्रेस लगा दी जिससे वो जल्द रिकवर कर सके। एक्सीडेंट के 8 महीने बाद वो अपनी आर्मी रेजिमेंट में गए, जहां बियर के लिए एक और बुरी खबर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आर्मी डॉक्टर ने बियर को बताया कि बियर कभी दोबारा स्काई डाइविंग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कमर इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बियर को हर तरफ से सारी मुश्किलों ने घेर लिया था। हर रोज उन्हें कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल रही थी। बियर अपने आर्मी के हेड के पास गए और रिजाइन करते हुए कहने लगे कि सर मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आर्मी के किसी काम आ सकूंगा।
अब बियर के पास ना कोई नौकरी थी ना कोई कमाई का जरिया। बियर एक डिप्रेशन के स्टेट में से गुजर रहे थे और एक दिन बेड पर लेटे लेटे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे कि ये 22 साल की उम्र में उनके साथ ये क्या हो गया। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने बियर के अंदर जोश भर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? बियर की नजर अपनी दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की पिक्चर पर गई, जिसके बाद उन्हें उनके पापा की याद आ गई, क्योंकि उनके पापा और बियर खुद भी चाहते थे कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करें। जिसके बाद बियर अपने बेड से नीचे उतरे और रेंगते रेंगते उस तस्वीर की तरफ गए और उस तस्वीर को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा बल्कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करूंगा। बियर वो तस्वीर देखकर एकदम से मोटिवेटेड हो गए थे, मानो उनके अंदर जोश का समंदर आ गया हो, क्योंकि बियर के लिए माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना डू और डाई मिशन की तरह था। बस बियर के सामने दो सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन, बियर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के यंगेस्ट क्लाइंबर का खिताब अपने नाम कर सकते थे, जिसके बाद उन्हें काफी सारे स्पॉन्सर्स और जॉब मिल सकती थी। दूसरी सिचुएशन, या तो बियर माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते मर जाएं या जिंदगी भर एक जिंदा लाश की तरह गुजारें। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बियर ऑप्शन वन चूज करते हैं, और इस टाइम किस्मत भी बियर के साथ होती है, क्योंकि उनके आर्मी के एक फ्रेंड भी अपने ग्रुप के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे थे। लेकिन बियर जैसे ही अपने सेविंग्स देखते हैं, उन्हें यह समझ आ जाता है कि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो ये ट्रैक कंप्लीट कर सकें। जिसके बाद बियर ने काफी सारी कंपनीज और स्पॉन्सर्स को लेटर लिखा स्पॉन्सरशिप के लिए, पर उन्हें कहीं से भी जवाब नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने रिचर्ड ब्रांसन को भी लेटर लिखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि रिचर्ड ब्रांसन हमेशा ऐसे रोमांचिक कामों में लोगों की मदद करते हैं, पर बियर के केस में उन्हें कोई जवाब नहीं आया। और तो और, बियर रिचर्ड के घर भी जाते हैं ये आस में कि उन्हें बस 2 मिनट मिलने का मौका मिल जाए, तो भी वो रिचर्ड को कन्विंस कर लेंगे ट्रैक को स्पॉन्सर करने के लिए। पर यहाँ पे बियर काफी अनलकी रहे और उन्हें रिचर्ड के एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके बाद दुखी होकर जब बियर वापस घर जा रहे थे, तब उनकी नजर एक कंपनी के एड पर पड़ती है जिसका नाम था डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट। बिना कुछ सोचे समझे बियर वो कंपनी के ऑफिस पर चले जाते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हैं। बियर के जज्बे और मोटिवेशन और विल पावर को देखते हुए कंपनी उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाती है। पर एवरेस्ट चढ़ना तो कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते अपनी जान गंवाई थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 7 में से एक इंसान की मौत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते हो जाती है। ये सब जानते हुए भी बियर का जज्बा बिल्कुल कम नहीं हुआ। जिसके बाद साल 1998 में बियर अपनी टीम के साथ बेस कैंप में जा पहुंचे और एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनके टीम लीडर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन्हें रोज 10-12 घंटे क्लाइम करना था, ताकि उनकी बॉडी माउंटेन के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर पाए और उनके लिए सर्वाइवल और भी आसान हो जाए। जिसके बाद 7 अप्रैल 1998 को बियर ने अपने 2 टीम मेंबर्स नीमा और मिंक के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ते वक्त बियर के पैरों के नीचे से आवाज आई जैसे कि बर्फ टूटने वाली। एक सेकंड के लिए बियर को ऐसा लगा कि उनकी आत्मा बाहर आ गई हो, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि बर्फ में अचानक से क्रैक आ गया और वो बर्फ के अंदर जा गिरे। जिसके बाद धीरे धीरे अपने आप को रोकते हुए उन्होंने अपनी रस्सी एक क्रैक में फंसा ली, जिसके बाद बियर को नीचे 1000 मीटर से भी ज्यादा गहरी अंधेरे वाली खाई नजर आ रही थी। बियर ने मन में सोच लिया था कि अब वो मरने वाले हैं। उतनी देर में उनके टीम मेंबर्स नीमा और मिंक बियर को रस्सी से ऊपर खींचने लगते हैं, जिसके बाद बियर कैसे ना कैसे करके ऊपर आते हैं और अपनी जान दूसरी बार बचा लेते हैं। बियर ऐसे तो होश में थे, पर उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि वो फिर से मौत से बचकर आ रहे थे। जिसके बाद बियर को कैंप ले जाया जाता है और डॉक्टर द्वारा चेकअप करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी एल्बो और ज्यादा सूज चुकी है। अब बियर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एल्बो उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। फिर कुछ दिन बाद वो दिल में वापस कॉन्फिडेंस जमा करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर ऊपर चढ़ने से पहले डॉक्टर उन्हें फिर से चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि बियर को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है और अभी ऊपर चढ़ना बेवकूफी होगी। अब ये सुनने के बाद बियर भी थोड़ा थोड़ा टूटने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने ऊपर वाले से दुआ करते हुए कहा कि हे ऊपर वाले, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं। जिसके बाद डॉक्टर्स के एडवाइस पर बियर थोड़ा और रिकवर करते हैं, और रिकवर करने के बाद जैसे ही बियर ऊपर चढ़ने जा रहे होते हैं, उतनी ही देर में उन्हें खबर मिलती है कि आज रात को एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जिसके बाद बियर थोड़ा और वेट करते हैं और रात को ऐसे ही जाने देते हैं। सुबह उठते ही उन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि बड़े तूफान ने अपना रास्ता बदल दिया है और अब वो आगे जा सकते हैं। ये सुनके बियर में और जान आ जाती है और 5.5 घंटों में वो बेस कैंप 3 तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके बियर 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जिसे डेड जोन भी कहा जाता है। डेड जोन में पहुंचते ही बियर को काफी सारी लाशें दिखाई पड़ती हैं और वो डर भी जाते हैं, पर फिर उन्हें अपना लक्ष्य याद आता है और वो बस ऊपर चढ़ते जाते हैं। लगातार 17 घंटे की चढ़ाई के बाद अब वो अपने लक्ष्य से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर थे। इससे पहले सिर्फ 30 ब्रिटिशर्स ने माउंट एवरेस्ट की ये ट्रैक पूरी की थी, पर अगर बियर ये ट्रैक पूरी करते हैं तो वो यंगेस्ट एवर ब्रिटिशर बन जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में ट्रैक पूरी की। जिसके बाद खराब तबीयत होने के बावजूद भी बियर माउंट एवरेस्ट की ट्रैक को पूरा करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि अगर आप में किसी चीज को पाने की चाह हो तो आपको वो चीज पाने से कोई नहीं रोक सकता, ना बुरी किस्मत, ना मौत और ना ही बुरे लोग।
बस जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, हिम्मत की, विल पावर की। जी हाँ, अगर आप में हिम्मत है वो पाने की जो आपको हमेशा से चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बियर की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बियर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन नहीं है। वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है जो अपने हालातों से लड़कर जीतने में विश्वास रखता है, ना कि किस्मत को दोष देते हुए रोने में। बात अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट में बस यस जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।